हम बात कर रहे हैं डॉक्टर रेकवेग का R60। जैसा कि आप खुद देख लीजिए, ये ब्लड प्यूरीफायर है और ब्लड में जितनी भी अशुद्धियाँ हो जाती हैं, ब्लड की अशुद्धि के कई सारे कारण होते हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन या दूषित कुछ खा लिया गया है, कई बार बाल तोड़ यानी कि बाल टूट जाने से उसमें से बैक्टीरिया हमारी बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं और उसके कारण बड़े जहरीले फोड़े हो जाते हैं। तो ये वाली जो मेडिसिन है, आज मैं आपको इसका कंज्यूमर रिव्यू बता रही हूँ। ये हमारे एक फैमिली मेम्बर ने यूज़ किया है और इसे हमने बहुत यूज़फुल पाया है। किन किन चीज़ों में मैंने इसे प्रयोग किया है वो मैं आपको बता देती हूँ। ब्लड प्यूरीफायर सबसे पहले यूज़ किया गया है फेस पर, जो फोड़े फुंसी हो जाते हैं उन्हें बिल्कुल इन्होंने क्योर कर दिया है। इसने रेकवे की जो है डॉक्टर रेकवे की R60 के नाम से ये मेडिसिन आती है। आप इसके इंग्रेडिएंट्स देख सकते हैं और ये इंग्रेडिएंट्स जो हैं इसमें मेन हिप्पर सल्फ वगैरह काफ़ी यूज़फुल होते हैं फोड़े फुंसियों में। दूसरा जो इसका यूज़ किया गया था वो था बहुत, जिसे कहते हैं कि एक जहरवात एक बीमारी होती है जिसमें कहीं भी बाल तोड़ फुंसी निकल आती है और वो एक बहुत बड़ा फोड़ा बन जाता है और पूरे शरीर में उसका इन्फेक्शन फैल जाता है। हमारी जो वेंस होती हैं उनके द्वारा वो बैक्टीरिया जो है स्टेफाइलोकोकस नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो बॉडी में जा कर के और ब्लड वेसल्स को खाना शुरू कर देता है और सॉफ्ट टिश्यूज़ को काफ़ी नुकसान पहुँचता है और यहाँ तक कि उसमें जो है सेप्टिक की एक बीमारी जो होती है उसमें भी इसका प्रयोग किया गया है और इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि हो सकता है मेरी इस जानकारी से किसी का फ़ायदा हो जाए। लेकिन जो इसकी डोजेस बताई गई थी, हमें ये बताया था 5 से 15 बूंद लेने के लिए, लेकिन जो है इनके कंज्यूमर जो हैं वो उन्होंने इसे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लिया है और इसके साथ ही उन्होंने कई सारी और भी मेडिसिन्स यूज़ की हैं, वो भी मैं आपको नाम बता देती हूँ। और इसकी जो 15 बूंद है उससे बहुत ज़्यादा इन्होंने लिया है, आधे कप पानी में मिक्स करके कई बार इसका प्रयोग किया तो जो जहरीला फोड़ा था उसमें इसका ज़्यादा प्रयोग किया गया है और जो छोटे मोटे चेहरे के फोड़े फुंसी हो जाते हैं उसमें 2 से 3 बूंद भी काम कर जाती है। अभी इसके साथ जो उन्होंने लिया है जहरीला फोड़ा होने पर जिसमें पूरी बॉडी में विष फैल जाता है, उसके लिए हमने जो यूज़ किया था वो था ये वाला, ये देखिए आप कैलेंडुला क्यू, और इसकी एक बार में लगभग 30 बूंदें आधे कप पानी में मिक्स करके थोड़ी देर रखने पर इनटेक की गई थी 2-3 बार दिन में। इसके साथ ही एक ये वाला यूज़ किया था और एक जो था आपको वो भी दिखा देती हूँ, उसके साथ ये वाली मेडिसिन यूज़ की थी। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि वो एंटीबायोटिक्स जो है ना ज़्यादा ले नहीं पाते हैं क्योंकि हमेशा होम्योपैथी का प्रयोग करते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो ये हमने उसमें इसकी भी ज़्यादा मात्रा में ये यूज़ किया था, लेकिन आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही इसे प्रयोग में लाएं। इसके साथ अगर लगातार फोड़े फुंसी होते ही जा रहे हैं तो फिर ये जो एक है इसका कोई अभी तक साइड इफ़ेक्ट इतना नहीं देखने में आता है और आप देख सकते हो कि जो फोड़े फुंसी के कारण बुखार जो आ जाता है, विभिन्न प्रकार के ज्वर हैं, शोथ यानी स्वेलिंग आ जाती है, कुष्ठ हैं आदि कृमि रोग जो हैं सारे उस में ये यूज़ किया था साथ में ही इन्हीं मेडिसिन्स के साथ में, क्योंकि जो है बहुत ज़्यादा विष फैला हुआ था फोड़े के कारण और बार बार लगातार फोड़े हो रहे थे। तो ये जो है इसे बोलते हैं चिरायता। चिरायता का मैं आपको बता देती हूँ, इन्हीं दवाइयों के साथ प्रयोग किया है क्योंकि ये तो एक अलग से देसी दवाई है, इसका कोई हानिकारक इफेक्ट है नहीं। तो इसे 1 चम्मच पानी में भिगो करके सुबह सुबह उन्होंने खाली पेट पिया है इन सभी दवाइयों के साथ जो मैंने पहले आपको बताई थी, जो ये वाली जो थी R60 और ये वाली। इसमें जो है
R1 एक और आती है, अगर आपको ये वाली मेडिसिन नहीं मिलती है तो आप इसके इन दोनों के स्थान पर रेक्वेक की R1 आती है वो भी आप ले सकते हैं। और ब्लड प्यूरीफायर जो है ये तो बहुत अच्छा, इसका मैं वर्षों से रिजल्ट देखती चली आ रही हूँ, क्योंकि हमारे फैमिली में यही इसका एक यह है कि होम्योपैथी पे हम हमेशा खुद होम्योपैथी यूज़ करते हैं, पूरे परिवार में होम्योपैथी मेडिसिंस यूज़ की जाती हैं। इसी तरह की कंज्यूमर रिव्यू मैं आपको समय समय पर उपयोगी कंज्यूमर रिव्यू देती रहती हूँ, तो मेरा चैनल जो है आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल बटन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हर बार एक नई तरीके का वीडियो देखने को मिल सके। धन्यवाद।